जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तो आज हमारी तैयारी है दुबई के लिए। अभी वेटिंग में आए हुए हैं, जहाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। ये दो भाई हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं, ये भी दुबई जा रहे हैं, इनकी ज़रा राय लेते हैं दुबई के बारे में और कैसे यहाँ पहुँचे, किस लिए जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, किधर जा रहे हैं आप? दुबई। क्या करने जा रहे हैं आप? दुबई एक तो हैप्पी न्यू ईयर मनाने जा रहे हैं हम, और दूसरा वहाँ पे देखेंगे अगर कोई बिज़नेस वगैरह सेट होता है तो अपना बिज़नेस वगैरह करते हैं। तो पाकिस्तान में यहाँ आप किधर रिहाइश है आपकी और क्या काम करते हैं आप? यहाँ पे मेरी बाबा टाउन में रिहाइश है, मेरा कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है। तो यहाँ पे आप न्यू ईयर नहीं मना सकते थे, आप दुबई जा रहे हैं? हर चीज़ का अपना एक लेवल होता है, जैसे मुल्तान का अपना लेवल है, लाहौर का अपना लेवल है, ऐसे ही दुबई का हैप्पी न्यू ईयर मनाने का अपना लेवल है। तो आपकी क्या फीलिंग है? आपने यहाँ पे देखा होगा, अभी हम एयरपोर्ट पे हैं असल में मुल्तान के, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लोग, गरीब लोग हैं जो यहाँ से जा रहे हैं सऊदी अरब या दुबई या कतर मजदूरी के लिए जा रहे हैं, तो देख रहे हैं लोगों को बड़े उदास चेहरे नज़र आ रहे हैं। हम भाई से पूछते हैं उनके क्या तासुरात हैं। हमारा ये है कि हमारा जो मुल्क है इसमें बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो बाहर जाके मजदूरी करते हैं और उसके बाद उनके यानी कि इधर घर वालों का पेट पलता है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो यहाँ पे ऐसे मौके फराहम करें कि वो जो है ना बाहर जाके बिज़नेस वगैरह सेटअप के लेकर जाएँ, क्योंकि वो वहाँ पे इतना मसला नहीं होता बिज़नेस मैन को, लेकिन जो गरीब तबके जाते हैं इनका सारा वो इधर अपना यानी कि वो घर में कुछ बेच के जाते हैं, उधर जाके उनको यही एम होता है कि हम वहाँ पर जाके मेहनत मजदूरी करनी है और घर वालों का पेट पालना है। वो अपनी यानी कि लाइफ से हट जाते हैं, उनके घर वाले फैमिली वो सब सबको सफ़र करना पड़ता है। जी हम दूसरे भाई से बात करेंगे। जी भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल है। जी आप साथ हैं दोनों? जी जी हम इकट्ठे जा रहे हैं। आपकी भी सेम तासुरात हैं? बिल्कुल सेम तासुरात हैं। हम तो खैर न्यू ईयर मनाने जा रहे हैं, तो आपको पता है अभी यंग हैं, तो हमारे तो फीलिंग पीक पे ही हैं और बड़े एक्साइटेड हैं कि अब क्या होगा। जी भाई बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, क्योंकि वो तो जा रहे हैं टूरिस्ट पे दुबई घूमने फिरने, बाकी आप बैक साइड पे हमारे देख सकते हैं बड़े अवाम हैं जो कुछ उम्रा के लिए जा रहे हैं, कुछ काम के लिए जा रहे हैं, कुछ मजदूरियों के लिए जा रहे हैं, तो सबका सिलसिला डिफरेंट है। तो यहाँ पे हाल तो बहुत बुरा है लोगों का, क्योंकि लोग घर वगैरह छोड़ के जा रहे हैं और अपने फैमिली से दूर जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, मजबूरी में जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो हमें इजाज़त दीजिए, आगे हम दुबई एयरपोर्ट पहुँच कर तो आपको आगे का वो दिखाएंगे, नज़ारा दिखाएंगे सारा, और दुबई आपको दिखाएंगे। थैंक यू।